नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सिवान प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। सिवान जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जैसे कि आप नगर थाना क्षेत्र हो गया या फिर मुफस्सिल थाना, सराय ओपी थाना, महादेवा ओपी थाना, इसके साथ रघुनाथपुर, शिशवन, चैनपुर ओपी, सभी थाना में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है कि कैसे सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। इसके लिए सिवान जिला प्रशासन और बिहार सरकार की एक गाइडलाइन है। और आपको हम बता दें, सिवान जिला प्रशासन के द्वारा सरस्वती पूजा के दौरान डीजे और अश्लील गानों पर पूर्णतः रोक है। सिवान जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार सरस्वती पूजा के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर आप सरस्वती माता की प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए सरस्वती माता का जो विसर्जन होता है तो आप किस रूट से ले जाएंगे, तो इसके लिए भी रूट चार्ट होगा। तो आप सभी को बता दें कि सरस्वती माता की पूजा विद्या की देवी है, इसलिए किया जाता है। और अक्सर देखा जाता है, सिवान ही नहीं पूरे बिहार में ये देखा जाता है कि सरस्वती माता की स्थापना के बाद जब प्रतिमा रखी जाती है तो वहाँ पर माता सरस्वती की पूजा के बाद अश्लील गाने बजाए जाते हैं। तो आपको बता दें, जब विद्या की देवी है माता सरस्वती, तो अश्लील गाना बजा कर आप विद्या की देवी का अपमान करते हैं। डीजे काफ़ी लाउडली आवाज़ में बजाया जाता है। तो बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी आप सभी से ये अपील है कि माता सरस्वती की पूजा अवश्य करें, लेकिन जो डीजे बजाया जाता है, जो अश्लील गाने बजाए जाते हैं, उस पर नियंत्रण रखें। क्योंकि आप माता सरस्वती की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो विद्या की देवी है, और अश्लील गाने बजा कर कहीं ना कहीं आप विद्या की देवी का अपमान करते हैं। तो सरस्वती पूजा आप भी रखें, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है उसका ज़रूर अवश्य पालन करें। बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ये गाइडलाइन है कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जो भी सरकारी, जो जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन है, उसको अक्षरशः आपको पालन करना है और शांतिपूर्ण तरीके से माता सरस्वती की जो पूजा है, अर्चना है, वो करना है। अश्लील गाने पर रोक रहेगी, अश्लील गाने आपको नहीं बजाना है। इसके साथ ही माता सरस्वती की जो प्रतिमा है उसका विसर्जन करने के लिए आपको एक रूट चार्ट तैयार करना है, वो जिला प्रशासन को बताना होगा, अपने संबंधित थाना को बताना होगा। इसके साथ ही आप अगर माता सरस्वती की पूजा के लिए पंडाल वगैरह की व्यवस्था करते हैं तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना होगा। तो बिहार न्यूज़ की भी अपील है कि जो भी जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आती है माता सरस्वती की पूजा के लिए, तो उस गाइडलाइन को ज़रूर पालन करें। अगर आप भी प्रतिमा रखते हैं तो संबंधित थाना में संपर्क करें ताकि जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से माता सरस्वती की पूजा अर्चना हो सके। सिवान पुलिस प्रशासन को आप सहयोग करें, सिवान पुलिस प्रशासन आपके लिए सदैव तत्पर है और पुलिस प्रशासन एक्टिव है, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से जो पूजा अर्चना होती है उसको संपन्न कराने के लिए। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि जो पूजा अर्चना हो रही है, जो जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है, उसका पालन करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। आपकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।